वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैंने मालूम करे कि क्या क्या राउंड्स में थे, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो नोट डाउन कर लीजिएगा, पेन एंड पेंसिल के साथ बैठ जाइएगा और मैं आपको बहुत चीज़ें उसके बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। प्रेशर और एक्सपीरियंस सब का ही चीज़ें मैं बताऊँगी, सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। एयर इंडिया में क्या होता है ना, एक्सपीरियंस के लिए ना अलग है और फ्रेशर्स के लिए अलग है, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप एक्सपीरियंस वाले में घुस ना जाए, ठीक है, बाद में दिक्कत हो जाएगी। एक्सपीरियंस वालों का इंटरव्यू अलग लेते हैं और फ्रेशर का अलग लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए बट नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है एक्सपीरियंस वालों को एंड मोस्टली एक्सपीरियंस वाले सिलेक्ट हो ही जाते हैं, होना ही है उनको, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन वगैरह का सिस्टम होता है बहुत जगह पे एंड काफ़ी सिटी में नहीं भी होती है, सो आपके जगह पर फिर भी मैं आपको प्रॉपर ऐसा बताऊंगी कि टोकन सिस्टम होता है, नंबर वगैरह देते हैं, नेम आपको नेम प्लेट देंगे, कुछ ऐसा नंबर लिखा होगा आपको वहाँ पे लगानी है, नहीं भी देंगे तो आपको कहीं भी लिख के दे देंगे या तो आपके रिज्यूमे के ऊपर में लिख देंगे आपका नंबर क्या है, आप किस नंबर पर एंट्री करोगे अंदर में, ठीक है। सो मैं फ्रेशर की बात करूँगी, एक्सपीरियंस का मुझे कोई मतलब नहीं, मैं एक्सपीरियंस की बात नहीं करने वाली आपके साथ में। सो टोटल आपका एयर इंडिया में ना 3 राउंड होता है, बट कभी कभार मैंने सुन रखा है, पहले का मैं सुन रखी हूँ कि 4 राउंड भी होते हैं, बट मैं आपको 3 राउंड बताऊंगी क्योंकि 3 ही मेन है, 4th राउंड में कुछ ऐसा नहीं होता, वो ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का हो जाता है। तो यहाँ क्या करें ना, स्टार्टिंग में ही आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले लेंगे मैं बताती हूँ। आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपकी फोटोग्राफ जो हाफ लेंथ है और आपका वो रिज्यूमे CV आपका, वो फर्स्ट में आपके ये सब चीज़ें ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, इसलिए आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपके पास इनकेस इसमें से कुछ ऐसा उस वक्त नहीं भी है ना, आप ऐसा भी बोल सकते हैं वहाँ पे कि फिलहाल आपके पास नहीं है तो इशू नहीं होगा, बस वो आप कलेक्ट करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। आप चीज़ों को संभाल लेना, अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास अभी नहीं है, जैसे कि पासपोर्ट बहुत लड़के के पास नहीं है, आई नो दैट, सो हो सके सिचुएशन संभाल लेना, वहाँ पे कह देना कि मैं आप नहीं लाए या नहीं है, सो आप बाद में सबमिट कर दोगे तो हो जाएगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। सो बढ़ते हैं फर्स्ट राउंड की ओर। एयर इंडिया में परफेक्टली GD होता है, आप सभी को पता हो, परफेक्ट ग्रुप डिस्कशन होती है, पूरे तू तरह वाले टाइप की डिस्कशन होती है वहाँ पे, नॉट लाइक एन अदर एयरलाइन जो जहाँ पे GD बोलते हैं, बट GD के नाम पे एक क्वेश्चन देख के सबको एक एक करके पूछते हैं। 10 लड़कियों के ग्रुप में अंदर भेजी जाएगी, 10 लड़कियाँ चेयर पे बैठी है, 10ों में एक क्वेश्चन किया जाएगा, उस क्वेश्चन पे आपको 10 को आंसर करने हैं, डिस्कशन करनी है वहाँ पे, ठीक है। उस डिस्कशन में आप कितना अच्छा बोल रही हो, कितना आप ज़्यादा बोल्ड हो, तो उस हिसाब से लिया जाएगा। तो 10 लड़कियां रहेंगी तो आपको मन में ऐसा हो जाएगा कि मैं शुरू करूं कि वो शुरू करे, ये शुरू करे कि ये शुरू करे, हमेशा इनिशिएट खुद को पहले देना, आप खुद करो। हो सकता है आपको कोई टॉपिक दे या फिर बोले कि अपने मन से किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करो, ऐसा भी हो सकता है, बट मोस्टली टॉपिक दे देते हैं, आपको उस टॉपिक पर बात करनी है, उस टॉपिक पर बात करने के बाद में वो जज करेंगे कि आपको नेक्स्ट राउंड में भेजनी है नहीं भेजनी है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, मैं जैसे बता दूँ, हर जगह पे ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही इनिशियल क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, एयर इंडिया में एक्सप्रेस में पूछ रहे हैं, एयर इंडिया में पूछ रहे हैं, इंडिगो में सिर्फ नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बाद में आपको सोशल मीडिया रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और मैंने और लिखी थी, मैं थोड़ा बता देती हूँ कि वो नोबल प्रोफेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक शेयर करे थे ना, आप उसको प्लीज़ देखिएगा, मैं एयर इंडिया का काफ़ी ग्रुप डिस्कशन शेयर करी हुई हूँ। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ प्लीज़ एक बार वीडियोज़ देख लिया करिए, मेरा किसी का भी जितनों का भी हो देख सके तो देख लो, क्योंकि GD टॉपिक्स रिलेटेड ही पूछते हैं, ज़्यादा कुछ इधर उधर का नहीं पूछते हैं। सो व्हाट इज़ द नोबल प्रोफेशन एंड व्हाई, ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, नोबल प्रोफेशन क्या है एंड क्यों है ये सब, और फिर आपका फेवरेट डेस्टिनेशन बोलेंगे, तो इसमें तो आप एक एक करके अपना अपना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको तू तरह करके बात करनी है, हो सकता है आपको पर्सनली एक एक करके क्वेश्चन पूछे, वही अच्छा है, एक एक करके पूछे, ठीक है। सो ऐसे करके पूछे, तो आपका ये राउंड अगर आपने अच्छे से बोल लिया, क्लियर कर लिया, तो आपको वो सेकेंड राउंड के लिए भेजेंगे। सेकेंड राउंड है इनका मेडिकल राउंड, ठीक है। मेडिकल राउंड में आप सभी को पता है, सबसे पहले हाइट चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, आपका बॉडी मास इंडेक्स चेक करेंगे, ये सब आपका परफेक्ट है। तो उसके बाद में आईज चेक करेंगे, टैटूज चेक करेंगे आपके मार्क्स पे, एयर इंडिया के भी ड्रेस अच्छे हैं, उतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। सो आपके लेग्स में अगर स्ट्रेच मार्क्स है, बर्न मार्क्स है, बहुत ही ज़्यादा स्किन इरिटेशन प्रॉब्लम है, दिक्कत है कुछ तो प्रॉब्लम पता नहीं चलता है, एंड अगर आपका नॉक नीज है तो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाए तो फुल ड्रेस ही पहन के जाए एंड कोशिश करें कि उतना ज़्यादा विजिबल ना हो, बट नॉक नीज वालों को थोड़ी बहुत तो
इतने ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बट स्टिल आप आराम से अप्लाई कर सकती हो, आप इंटरव्यू के लिए जा सकती हो, वहाँ जो होगा आप देख लीजिएगा, बट एटलीस्ट आपने ट्राई तो करा, आपको ये तो मालूम हो जाएगी घर बैठे कमेंट करके टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, जाना पड़ेगा आपको वहाँ पे, ताकि आप एक बार डील तो करो इन चीज़ों से, क्या पता आपकी किस्मत लग जाए आप सिलेक्ट हो जाओ, है ना। इसलिए डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, हमेशा मैं मोटिवेट ही करती हूँ, इसलिए कभी मेरे को ये मत पूछो कि मेरा ऐसा है मैं तो नहीं होंगी, नहीं होंगी नहीं, होना है, आपको जाना है वहाँ पे, जाके देखो एक बार, एक बार गिरते हैं तो ही तो पता चलता है कि कितने जोर से गिरे थे, है ना, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में जो उनका है ना ज़्यादा चेक नहीं करते, टैटूज वगैरह नॉर्मल आई साइड थी चेकिंग करेंगे, आपका नेक वैक में टैटूज चेक करेंगे, बस हो गया, अब रीडिंग करने वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देते हैं, बहुत नॉर्मल है उनका, उनका इतना ज़्यादा है नहीं, जो भी करना हो मेडिकल चेकअप में करते हैं, सो यहाँ पे उनका ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर से देखते हैं, बहुत अच्छे से चेक भी नहीं करते, ऊपर ऊपर से देखते हैं, तो मतलब नॉर्मली हाँ ठीक है चलो हाँ ठीक है, थर्ड राउंड में भेज देते हैं। थर्ड राउंड हो जाएगी पर्सनल इंटरव्यू, वहाँ पे आपको पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा एचआर के साथ में, थर्ड राउंड है, तो थर्ड राउंड में आपको मैं बता दूं एक ट्विस्ट है कि थर्ड राउंड कभी कभी ना टैटू चेकिंग हो जाती है, स्कार्स चेकिंग हो जाती है, और फोर्थ राउंड पीआई हो जाती है, सो सेकंड राउंड में कभी कभी सिर्फ हाइट वेट और बीएमआई चेक करते हैं, और थर्ड राउंड में टैटू स्कार चेकिंग करते हैं, फोर्थ राउंड में पर्सनल इंटरव्यू कर देते हैं, कब करते हैं पता है आपको, जब लड़कियां बहुत कम आई होती है, कैंडिडेट बहुत कम है, विस्तार से काम करते हैं, आराम से काम करते हैं, बट कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, तो वो सेकेंड और थर्ड राउंड को एक मिला देते हैं, हालांकि एक ही होनी चाहिए, बट एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में नियम हो गए हैं कि ये लोग अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ अब ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड में हो सेकंड में हो क्या इशू है, चेकिंग ही तो होना है, सो ध्यान में रखना। फिर आपका लास्ट राउंड होएगा पर्सनल इंटरव्यू, फोर्थ राउंड, अगर फोर्थ राउंड में पीआई होगी नहीं तो थर्ड राउंड में पीआई हो जाती है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, आई होप आप समझ गई होगी वो चीज़ है। सो पर्सनल राउंड वो पूछते हैं, मैं आपको ना इसमें कुछ क्वेश्चन बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये पूछते हैं, इंट्रोडक्शन तो नॉर्मल है, इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑलवेज मेक योर इंट्रोडक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग सो दैट दे कैन क्रॉस क्वेश्चन यू। मैं हमेशा कहती हूँ क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद में आपको आगे पीछे का कुछ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, उसमें ही आपकी दुनिया सिमट जाएगी, बट अगर आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं दी है ना तो आपको फिर इधर उधर के क्वेश्चन करेंगे, और इंट्रोडक्शन पूछ लिया आपको, उसके बाद पूछेंगे वर्ड यू वॉन्ट टू ज्वाइन एयर इंडिया, ये एयर इंडिया का सबसे ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, पूछते हैं ये कि आपको एयर इंडिया क्यों ज्वाइन करनी है, सो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप उसका कुछ स्ट्रॉन्ग आंसर प्रिपेयर करना है करो, और ये बिल्कुल नहीं वहाँ कहनी है कि आप बहुत एविएशन में ट्राई कर रही हो आप एयर इंडिया में करना चाहती हो, ये सब कभी नहीं बोलना है, ठीक है, कभी दूसरे एयरलाइन का नाम नहीं लेना है, ना ही किसी एयरलाइन के बारे में बुरा कहना है, ना ही उसको नीचा दिखाना है, उसको बिना नीचा दिखाए बिना बुरा बोले एयर इंडिया को ऊपर करना है, ताकि आप बोल सको कि एयर इंडिया मुझे क्यों चाहिए, ठीक है। एंड कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछते हैं कि डू यू नो समथिंग अबाउट कैबिन क्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द रोल्स ऑफ कैबिन क्रू, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कैबिन क्रू, सो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, दो तीन पॉइंट बोलनी है, बस दैट्स इट, ठीक है। सो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ भी पर्सनल इंटरव्यू में नहीं करते हैं, सो आई होप आपको सारे राउंड्स क्लियर हो गए हो, तीन चार जो भी राउंड्स मैंने बताए हैं, आई होप आपके सारे राउंड्स क्लियर हो गए, और नेक्स्ट आपको कोई और वीडियो चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माई चैनल और कमेंट ऑन माई वीडियोज, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूले, लाइक भी कर दीजिएगा, एंड शेयर जरूर करेगा उनको साथ जिनको ज़्यादा जरूरत है, जिनको नीड है, उन्होंने नहीं देखी और आपने देख ली है, आप उनके पेरेंट्स हो, आप उनके गार्डियन हो या कुछ भी हो, आप ज़रूर शेयर करें उनके साथ जिसको बहुत ही ज़्यादा नीड है, एंड डू नॉट वरी, ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, टेंशन नहीं लेना, डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।